ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦਾ ਬਲੀਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਏਸੈਂਟ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਡਿਸੈਂਟ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਰੇਂਜ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਥ ਔਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰੂੰਗਾ स्टार्टिंग पॉइंट तो यू वेलोसिटी ना एट एन एंगल थीटा तेरे स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दो तुसी 0 0 इस दी स्टार्टिंग दे विच वेलोसिटी देखो दो वेलोसिटीज होनी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होएगी, एक केडी वेलोसिटी होएगी रे वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कितनी होगी u cos थीटा एंड वर्टिकल कितनी होगी u sin थीटा। जिवें-जिवें ए प्रोजेक्टाइल आ देखो ब्लैक कलर जिवें जिवें अगे जाऊगा ये थोड़ा जा एक्स वाल भी जाऊगा तो थोड़ा जा वाई वाल भी जाऊगा। ठीक है, हुण उसे तरह जिवें मान लो मैं कहना इस पॉइंट ते पहुँच गया, मैं पहला भी तुहानू करवाया हुआ पी पॉइंट थी। ठीक है, सी हैगा हाईएस्ट पॉइंट, जी तो मैं नीचे आना शुरू करता उस तो पहला पॉइंट ले लिया पी। सपोज मैं कह देना है इसके कोऑर्डिनेट्स 2 3 है, 2 मीटर एंड 3 मीटर, तो इसका मतलब ये है तो इतों तक जाने ए तो पी तक का देखो ए वाला डिस्टेंस कितना होएगा मैं दसो 2 मीटर, ए वाला डिस्टेंस जिहड़ा वाई वाल होएगा इसनू आपां की बोलांगे 3 मीटर। समझ आया, स्टार्टिंग तो लैके किसी पॉइंट ते पहुंच गया उसका ओरिजन तो डिस्टेंस। सिमिलरली हुण आ देखो मैं उसे चीज़ नू रिपीट करन जा रहा, देखो हुण सपोज ए एक पी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैगे एक्स वाई। लेट इधर देखो, लेट बॉडी इज एट या प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी एक्स वाई एट टाइम या आफ्टर टाइम टी, टी टाइम बाद बॉडी किस पॉइंट पे पहुंचेगी पी पॉइंट पे। तो इसका की मतलब हैगा, तो इसका मतलब ये हैगा कि ए वाला डिस्टेंस जेड़ा हैगा ए वाला डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस कितना ए तो पी तक बॉडी ऊपर नु कितना चली गई वाई ट्रैवल किया है। एंड अगर मैं इसका ए वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखा ए तो लेके पी तक का इसने कितना ट्रैवल किया एक्स ट्रैवल किया है। हुण आपां एक्स ते वाई दे विच रिलेशन फाइंड आउट करना, जिवें आपां नॉर्मल प्रोजेक्टाइल दे विच एक्स एंड वाई दे विच रिलेशन फाइंड आउट कीता सी। हुण आपां की करांगे, पहला ए तो पी तक इक्वेशन ला दांगे, फिर ए तो पी तक पहला ए तो पी तक एक्स एक्सिस लाउंगे इक्वेशन ला दांगे, फिर वाई एक्सिस लाउंगे ला दांगे, फिर उन्हां विच एक्स ते वाई दा रिलेशन फाइंड आउट कर लांगे। तां पहला स्टेप उसे तरह जिवें पहला कीता सी, आपां लावांगे इक्वेशन ऑफ मोशन किधर अलोंग एक्स एक्सिस, किधरों फ्रॉम ए टू पी। हुण ए तो पी तक दसो आपां नूं की दित्ता होया है डिस्टेंस, ए तो लैके पी तक का होरीजोंटल डिस्टेंस बोलो ये कितना दित्ता होया मैनूं दसो एक्स। इक्वेशन लिखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अजे इहनूं अपने आप करके देखना, ये वाले जिहड़े क्वेश्चन हैगे आ जे प्रॉब्लम होई तां मेरे नाल डिस्कस करना। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਐਸ ਐਕਸ ਯੂ ਐਕਸ ਏ ਐਕਸ ਲਿਖਾਓ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਏ ਟੂ ਪੀ, ਏ ਤੋਂ ਪੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਕਿੰਨਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸ ਵੱਲ ਯੂ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਟੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਜੂ जीरो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन एक्स वाल नहीं होती, तो यह मतलब इधर आप टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एक्स ओवर यू कॉस थीटा। तुसी नॉर्मल प्रोजेक्टाइल दे विच भी देखोगे टाइम की वैल्यू आई सी एक्स ओवर यू आई सी। हुण आपां की करते हैं फिर आपां लावांगे इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग
वाई एक्सिस किधरों ए टू पी हूँ ए तो पी तक ए तो पी तक जाते जाते आप अपवर्ड इक्वेशन लानी है डिस्टेंस वाली है देखो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ए वाई यू वाई एस वाई मैं दसोंगे तुसी डिस्टेंस कि अपने अपने आप पुट करके देखो एस वाई कि आऊगा ए तो पी तक जाते जाते उपर न कि चले गए आप वाई इनिशियल वेलोसिटी वाई वाल कि है उपर वाल वाई वाल यू साइन थीटा टाइम कि लगे मैं दसो टी जिसकी वैल्यू एक्स ओवर यू कोस थीटा आ गई प्लस हाफ आएगा एक्सलरेशन की होगी पहले मैं दसो माइनस जी हाफ आएगा ही आएगा एक्सलरेशन माइनस जी क्यों हुई क्योंकि अपवर्ड ए तो लेके सी तक तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं सी तो बाद नीचे आना शुरू किया देखो टी की वैल्यू ए पी इधर स्केयर कर देंगे एक्स स्केयर यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा बस इसको थोड़ा जा सॉल्व कर लो ये आ गया एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्केयर टू यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा इसको कहते हैं एक्स ते वाई का रिलेशन ठीक है एक्स ते वाई दे विच रिलेशन ये बन गया इक्वेशन ऑफ पाथ ठीक है जिवें नॉर्मल प्रोजेक्टाइल दे विच बनया सी एक्स ते वाई दा रिलेशन इधर ओब्लीक दे विच भी बनया ठीक है जिवें कोई भी पॉइंट ऐसे कोऑर्डिनेट्स किन्ने हो गए एक्स ते वाई तुसीं मैनूं दस सकदे सी दे कोऑर्डिनेट की होने चाहिए है मैं दसो इथों तक किन्ना डिस्टेंस कवर हुंदा हुंदा वैसे तां पूछ रिहा मैं ये टोटल इस डिस्टेंस नूं की कहने हुंने आपां आर ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਂਜ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹਾਫ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐਕਸ ਵਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਏ ਹਾਂ ਆਰ ਬਾਈ ਟੂ ਤੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਐਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆਰ ਬਾਈ ਟੂ ਤੇ ਐਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖਾਓਗੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਐਕਸ ਵਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈ ਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਵਾਈ ਵਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਰ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਨੋਟ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਓਬਲੀਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਫਲਾਈਟ ਦਾ 2u sin ਥੀਟਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਯੂ ਤੇ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਜੀ ਤੇ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਫਿਕਸ ਉਹ ਤਾਂ 9.8 ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਸਨੇ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਊਗੀ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤੇ ਯੂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਾਰਟ ਪੁੱਟ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਟੈਂਪਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨਾ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3 ਅਟੈਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਥਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਹਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਕਦੇ ਬੋਡੀ ਨੇੜੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਦੂਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਥਰੋ ਕਰਤੀ ਬੋਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਊਗੀ ਇੱਧਰ ਗਿਰ ਜੂਗੀ ਜੇ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਥਰੋ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਡੀ ਜਮਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰੇਗੀ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਵੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਯੂ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਦਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਥਰੋ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੇਂਜ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਏਗੀ ਆਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ 2 ਥੀਟਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ
यू स्केयर ते जी इता फिक्स है, इता मतलब साइन टू थीटा दी वैल्यू की होनी चाहिदी है मैक्सिमम। हुण तुसी मैथ तां कर ही रहे हैगे प्लस वन दे विच ना, ते तुहानूं वैसे भी पता है साइन दी जिहड़ी मैक्सिमम वैल्यू हुंदी है साइन कॉस टेन, साइन दी मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन हुंदी है। ठीक है, जिवें साइन थर्टी हाफ साइन सिक्सटी अंडर रूट थ्री बाय टू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू वन आती होंगी है। देखो तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन, तो साइन की वैल्यू वन कदों आती होंगी है तुम्हें पता है नाइनटी डिग्री पर। साइन ना साइन कैंसल हो गया, टू थीटा किससे इक्वल आ गया नाइनटी दे, तो थीटा किससे इक्वल रह गया फोर्टी फाइव डिग्री। ये चीज़ ध्यान रख, इहदा मतलब जिन्ना तुसीं जे तुसीं एंगल 45 ते किसे बॉडी नूं प्रोजेक्ट करोगे थ्रो करोगे तो तुहाडी रेंज मैक्सिमम आऊगी। तां जिहड़े प्लेयर्स हुंदे आ शॉर्ट पुट जां जैवलिन थ्रो करदे हैगे, जैवलिन समझदे हो ना, शॉर्ट पुट तां समझदे हो कि सफेरिकल सफेरिकल बॉल हुंदी हैगी है। ठीक है, ते जो जैवलिन हुंदी आ उह इक तरह दी रॉड टाइप हुंदी है ना जिसनों थ्रो करते हैं, वो कोशिश करते होंगे कि हमेशा किस एंगल दे नेड़े थ्रो करने की कोशिश कर 45 दे। जिवें तुहानूं मैं एक क्वेश्चन पुछदा है, हुण इधर देखो, जिवें वैसे तुहानूं एंगल दिते हुए है 43, 48, 39, 60 डिग्री। ठीक है, इन्हां विचों तुहानूं कोई पुछे सब तो ज़्यादा रेंज किस एंगल ते आऊगी। ठीक है, पहला तुसी ये चैक करो 45 दे नज़दीक किहड़ा एंगल है, 45 दे नज़दीक देखो किहड़ा एंगल है। 43 दा 45 तो किन्ना डिफरेंस हैगा मैनूं दसो, 2 डिग्री दा। आ देखो 48 किन्नी दूर हैगा 45 तो, 3। 39 45 तो कितनी दूर है 6, इधर तो सब तो नेड़े 45 दिख रहा है आर, तो 43 डिग्री ते रेंज ज़्यादा हुई। दूसरे नंबर ते किस ते रेंज ज़्यादा होगी 48 डिग्री ते। तीसरा नंबर दसो किस दा आऊगा 39 डिग्री, फिर केड़ा रह जाऊगा 60 डिग्री। सब तो ज़्यादा रेंज 43 डिग्री, क्योंकि जो एंगल 45 ते रेंज ज्यादा आनी चाहिए है, जो एंगल 45 ते होएगा उसते रेंज की आऊगी, जिन्ना नजदीक होगा उसते उन्नी रेंज ज्यादा आऊगी। हुण क्वेश्चन ये हैगा कि अगर एंगल रजे, मैं तुहानूं कह देवां इत्थे एक एंगल होर होवे 30 डिग्री होवे, हुण मैं दसो 60 दा किन्ना दूर हैगा 45 तो 15, 30 डिग्री किन्नी दूर है 45 तो वह भी 15, तो इतने पता की होगा 60 डिग्री एंड 30 डिग्री ते रेंज की आऊगी सेम आऊगी। ये रेंज क्यों सेम आऊगी ये आप नैक्सट आर्टिकल दे विच करते हैं। एक चीज समझ आया, जो एंगल जिन्ना नज़दीक होएगा 45 तो उसके रेंज ज़्यादा आऊगी। जे दो एंगल मान लो, एक 43 डिग्री है, 43 डिग्री 45 तो कितनी दूर है 2 डिग्री, तो एक होर एंगल हैगा कि 47 डिग्री। हुण इधर देखो तुहानूं मैं दसां, भावें तुसीं बॉडी नूं 47 डिग्री ते थ्रो करो, भावें तुसीं 43 डिग्री ते थ्रो करो, दोनों की रेंज सेम आऊगी। अपन नैक्सट क्वेश्चन से इनू प्रूव भी करते हैं, 47, 45 तो किन्नी दूर हैगा 2 डिग्री, 43 डिग्री किन्ना दूर हैगा 45 तो वो भी 2 डिग्री दूर है, दोनों सेम जगह पर गिरेंगे। इस पर नोट करो, आप इस चीज़ को आप नैक्सट आर्टिकल करते हैं कि सेम दो अगर 45 तो दो एंगल सेम डिफरेंस से हूँ उन्होंने रेंज सेम क्यों आती है। हुण दादी आपां इह हुणे देखिया ना जिवें जिहड़ी रेंज आ डिपेंड करदी है एंगल दे उपर, बट जिवें तुहानूं मैं हुणे एग्जाम्पल दे के हटिया, जे 47 दे 43 डिग्री रह गए तो दोनों 2 डिग्री ते सेम है, तो दोनों केसिस रेंज की आनी चाहिए है सेम। आपां उही चीज़ इधर प्रूव करनी है, मतलब कि सेम रेंज लई हमेशा दो एंगल होंदे हैगे, मतलब कि एक एंगल अगर एक एंगल ते रेंज कुछ भी आ रही है तो इधर एक होर एक एंगल प्रेजेंट होएगा उस एंगल ते भी रेंज सेम आऊगी। चलो आप इधर देखते हैं, सपोज पहले केस दे विच, हाँ देखो रेंज का फॉर्मूला की होंगे, यू स्केयर साइन टू थीटा बाय जी।
हुण मान लो तुसी किसे बॉडी नूं यू वेलोसिटी नाल थीटा एंगल ते थ्रो कर दिता, वो किन्नी दूर जाके गिर गई, मैं कह दिंदा आर वन दूर जाके गिरी हैगी है, ठीक है। तो रेंज किन्नी हो जाएगी, देखो यू स्केयर साइन टू थीटा किन्ना है, थीटा ओवर जी, ए आ गया यू स्केयर साइन टू थीटा बाय जी। दूसरे केस दे विच तुसी की कीता, सेम जगह दे उपर सेम वेलोसिटी नाल बॉडी नू 90 माइनस थीटा दे थ्रो कर दिता, मतलब जिन्ना भी वो एंगल सीगा रजे, जिन्ना भी एंगल सीगा थीटा, उसनू अपन 90 माइनस थीटा करके जो जिन्ना भी एंगल आया उससे थ्रो किया, तो बॉडी ने ये वाला पाथ फॉलो कर लिया फिर, है ना। तो फिर ये किन्नी दूर जाके गिर गई, मैं कह दिना आर टू, अपन की पता किन्नी दूर, देखो यू स्केयर लिखता, साइन लिखता, टू लिखता, बट थीटा की बजाय हम तुम्हें भी लिखना पेगा 90 माइनस थीटा ओवर जी। तो यह की आ जाऊगा, देखो यू स्केयर साइन 180 माइनस टू थीटा ओवर जी। हुण एक रूल तुसी याद रखना हैगा, ये मैथ रूल हैगा, साइन 180 माइनस एक्स कुछ भी होवे, साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स ही रहता है, ठीक है। तो इधर देखो, तो ए की आ गया, बोलो ये आ गया यू स्केयर साइन टू थीटा बाय ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਤੇ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਰੂਗੀ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਸੇਮ ਆਈ। ਅਗਰ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਤੇ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਿਰੀ ਹੈ ਤਾਂ 30 ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 90 ਮਾਈਨਸ 30 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 60। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਦੇ ਵੀ ਥਰੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਰਨਗੇ। ਸਮਝਿਆ, ਇੱਕ ਥੀਟਾ ਦੂਜਾ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਅਗਰ ਭਾਵੇਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਥਰੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਰੂਗੀ ਜਾ ਕੇ, 90 ਮਾਈਨਸ 30 60 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਰੂਗੀ, ਸਿਰਫ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ 60 ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟ ਆਊਗੀ ਕਿ 30 ਤੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹਾਈਟ ਵੀ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਕਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ 60 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗੀ ਓਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਟ ਗਿਰਨਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 89 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਥਰੋ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਦੇਖੋ, मैं 89 डिग्री एंगल 90 हूं, 90 तो छोटा जा कटा के मैं लिख देना 89 ऐसे गिर गई। 1 डिग्री के थ्रो करांगे ता ताँ भी उठे गिर जो इस सेम एंगल आ गए, ठीक है। इधर मतलब इधर रिजल्ट आया थीटा 1 एंड थीटा 2 दे ऊपर रेंज सेम होगी इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों एंगल्स का सम की होना चाहिए 90 डिग्री, मतलब एक जे 30 है दूसरा 60 है, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री, तो दोनों के रेंज सेम हो, तो इन्हें कौन से एंगल्स कहते होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ आ गया रे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये चीज याद तुसी रखनी है। अगर दो एंगल्स के ऊपर सेम, दो एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है तो दोनों की रेंज सेम होगी। जिवें फॉर एग्जाम्पल एक 45 डिग्री है, ये 45 प्लस थीटा एंगल है, दूसरा हैगा 45 माइनस थीटा, तो दसो मैनू किसते रेंज सेम होगी, रेंज दोनों ते की होगी सेम, क्योंकि इधर देखो 45 प्लस थीटा एक एंगल तो एंगल हो गया, दूसरा एंगल केड़ा हो गया 45 माइनस थीटा, तो दोनों ऐड करो थीटा थीटा कैंसिल हो गया कि ना आ गया 90 डिग्री। इहदा मतलब भावें तुसीं इस एंगल ते बॉडी नूं थ्रो करो भावें इस दे उपर, रेंज विल बी सेम, रेंज सेम होगी, हाइट कितने ज़्यादा आऊगी मैनूं दसो, एक एंगल है 45 तो प्लस दे विच,
एक है 45 तो थीटा माइनस दे विच ता हाइट किस ते आऊगी ज्यादा जेड़ा प्लस दे विच ज्यादा वड्डा एंगल हाइट ज्यादा हो ते टाइम भी उस ते की लगूगा ज्यादा टाइम बॉडी एयर दे विच रहूगी। इस नु ध्यान नाल नोट करो, दो बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं तक आपा के 45 डिग्री ते रेंज सब तो ज्यादा आंदी है, जो एंगल जिन्ना 45 दे नेड़े होगा उस ते रेंज उन्नी ज्यादा होगी, बट सेम रेंज लई किन्ने एंगल है, दो एंगल होंदे है। जे 50 डिग्री लोगे जिन्नी दूर बॉडी 50 डिग्री ते गिरदी है उन्नी दूर ही 90 माइनस 50 मतलब 40 डिग्री ते भी उन्नी दूर गिरूगी। ठीक है, इसको नोट कर लो। हुण रहते जिहड़ा नैक्सट आर्टिकल है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम देखो जो तुसी किसी एंगल ते बॉडी नू थ्रो करते हो वो एंगल ते ही डिपेंड करता बॉडी किन्नी अगे डिगूगी जां किन्नी बॉडी उपर जाऊगी। हुण इन्हां विच कुछ रिलेशन भी हैगा एच ते आर दे विच, उह आपां कैलकुलेट करते हैं। हुण सपोज इधर देखो, सपोज की जो है एच का फॉर्मूला की हुंदा, यू स्केयर साइन स्केयर थीटा बाय टू जी, एंड आर का फॉर्मूला की हैगा u स्केयर साइन टू थीटा बाय जी। दोनों के विच आपा रिलेशन कैलकुलेट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनावांगे जो न्यूमेरिकल बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तुसी की करो दोनों नू डिवाइड कर, मैं तुहानू फिर कही ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनन जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ते तुहानू एंगल तो ही पता चल जाया करूगा हाइट किन्नी होगी, हाइट ज्यादा होगी कि रेंज, तुहानू मैं समझाउणा। हुण एच ओवर आर करो, यू स्केयर कैंसल, जी ना जी कैंसल, एक ही रहेगा। हुण देखो आपां करिए, एच दे सामने साइन स्केयर थीटा है तां मैनूं साइन स्केयर थीटा इत्थे लिखना पऊगा, लिखता ओके। मैं देखो यू स्केयर ते जी कैंसल करते सी, साइन स्केयर थीटा एच दे सामने, ते जिहड़ा जी हैगा एच सॉरी टू हैगा वो एच दे ऑपोजिट, एच उपर है तो टू नीचे लिखना पैना। हुण इधर आ जाओ, यू स्केयर ते जी कैंसल सी, आर दे सामने की लिखना पऊगा साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। बट एक चीज तुहानूं याद है ना, साइन टू थीटा नूं ओपन कर सकते हैं आपां, साइन टू थीटा नूं किवें ओपन करते हुंदे आ, टू साइन थीटा कोस थीटा, समझ गए, समझना की अत राजे फॉर्मूला ही है। हुण इधर देखो एच ओवर आर, इहनूं देखो किवें करांगे, साइन एक साइन ना साइन कैंसल हो जूगा, देखो ये तो कर लोगे ना राजे अपने आप, एक साइन ना साइन कैंसल हो जू, उपर की रह जूगा एक साइन, साइन ओवर कोस की बन जूगा टैन। हाँ देखो मैं लिख भी देना, साइन थीटा टू इंटू टू फोर नाल की आ जाएगा कॉस थीटा, ते मैं बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना दिता, साइन ओवर कॉस टेन ये आ गया फोर, एच बाय फोर टेन थीटा, एच बाय आर सॉरी एच बाय आर टेन थीटा ओवर फोर, तो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो अपनी बहुत जगह हेल्प करूगा, ये आ जाएगा 4h इज इक्वल टू r tan थीटा। ये अपन न्यूमेरिकल्स करांगे तब अपन तुहानू होर पता चलूगा कि ये फॉर्मूला कितनी हेल्प करेगा। ये h ते r दा रिलेशन है, 4h इज इक्वल टू r tan थीटा। इस फॉर्मूले तो कुछ आपां इसे नोट करते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपां इधरों बनाने हैंगे। सब तो पहला तुहानू पता है जो किसी भी एंगल ते थ्रो करते हैं बॉडी अगे भी जाती है तो उपर भी जाती है। हुण आपां नूं ये कहिंदे कोई इहो जिहा एंगल कैलकुलेट करो जिस ते आपां थ्रो करिए, देखो मैं तुहानू वो एंगल कैलकुलेट करो जिस दे नाल बॉडी मान लो 10 मीटर अगे गई है ते 10 मीटर ही उपर, मतलब वो एंगल पता करो जिस ते हाइट ते रेंज दोनों सेम हो जाए। हुण इधर देखो आपां करिए फाइंड थीटा वैन एच इज इक्वल टू आर, अब थीटा कैलकुलेट करो जो एच ते आर की वैल्यू सेम होगी, की करो नौ फोर एच किससे इक्वल होंगे आर टेन थीटा दे, की करो एच ते आर इक्वल लिख दो, ये आ गया फोर आर आर टेन थीटा, समझ गए ना, एच नूं आपां की पुट करता आर, तो यह आ गया टैन थीटा, मैं इधर उधर लिख देना कोई फर्क नहीं पैंदा, टैन थीटा किससे इक्वल आ गया फोर ते, ते जदों आपां कैलकुलेट कीता कि थीटा दी वैल्यू टैन थीटा दी वैल्यू फोर पता किस एंगल ते आंदी है 75 डिग्री 58 मिनट जां तुहानूं इह दस देना 76 डिग्री।
अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल नूं, किसी भी प्रोजेक्टाइल नूं तुसी 76 डिग्री ते थ्रो करोगे, किस एंगल ते 76 ते, 76 ते ओह उन्नी ही उपर जाऊगी उन्नी ही अगे जाऊगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जिवें इहदा एक होर पॉइंट बना सकते हैं, अगर थीटा ग्रेटर दैन 76 होवे तां मैनूं दसो हाइट ज़्यादा होगी कि रेंज, सोच के दसो। मैं एंगल बना दिता, देखो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये वाला मैं एंगल बनाया हुआ 76, 76 से की आती है हाइट ते रेंज की आते हैं, अगे भी उन्ना उपर भी उन्ना, हाइट ते रेंज सेम। मैं एंगल 76 तो वधाता तो मैं दसो बॉडी किधर ज़्यादा जाऊगी, उपर न। अगर एंगल 76 तो ज़्यादा है तो एच की वैल्यू हमेशा आर तो ज़्यादा होगी। अगर थीटा की वैल्यू लैस दैन 76 हो, 76 ते एच ते आर सेम, अगर एंगल मैं 76 तो कटा दा ताकि होगी बॉडी किधर जाऊगी, अगे नू ज्यादा जाऊगी, उपर घट जाऊगी, रेंज हाइट तो ज्यादा होगी। ये आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जी, अज के टॉपिक का सब तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये वाला सीखा, ठीक है, इसनों नोट करो। नैक्सट जिहड़ा आपां नैक्सट लैक्चर जिहड़ा होगा उसके आपां नॉर्मल प्रोजेक्टाइल ओब्लीक प्रोजेक्टाइल के नुमेरिकल्स करांगे, ठीक है, इसनों नोट करो।